YouTube चैनल आई एम निखिल फ्रॉम करियर किक सर्विसेज। आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट की मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज मानी जाती है, दैट इज JP नोएडा, जो कि हमारा नोएडा सेक्टर 62 पर है इसका मेन कैंपस, और इनकी एक सेकेंड कैंपस हमारी UP में ही है सेक्टर 128 में। फिलहाल इनके दो कैंपसेस और हैं, एक हमारा सलून में है हिमाचल में, और एक कैंपस इनका है जो हमारा गुना MP में है। तो फिलहाल इन सब पे हम लोग सेपरेटली भी वीडियोस बनाएंगे अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ जो हमारे यूपी में इंस्टीट्यूट है JP नोएडा, जिसको कि हम JIIT के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है तो मुझे किस कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या इनके लिए सेपरेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे, और रेस्ट ऑफ देम इनके सीट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसमें पिछले ईयर से और अभी में कुछ चेंजमेंट आया हुआ है, और जो मैं आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अभी तक YouTube में आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो तक अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि अभी जो JP नोएडा में कुछ BTech स्पेशलाइज कोर्स लाया हुआ है तो वो हम उसके बारे में बात करेंगे। रेस्ट ऑफ देम हम आपको सीट मैट्रिक्स बताएंगे। आफ्टर दैट इसका हम एक सेकेंड पार्ट लाएंगे इस वीडियो का, जिसपे हम लोग इस पे एग्जैक्टली इसके फी स्ट्रक्चर या कट ऑफ्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो JP नोएडा इंस्टीट्यूट है ये हमारा खास क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप अपने यूपी में बात करोगे या दिल्ली NCR रीजन में बात करोगे तो कुछ UPDU के कॉलेज हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन JP नोएडा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जब बच्चे जैक दिल्ली में या IPU दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तब JP नोएडा की बात आती है, तब वो JP नोएडा में एडमिशन लेने के सोचते हैं, बिकॉज ये एक अपने आप में एक सॉलिड ब्रांड है, और बिकॉज यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट आपकी 6 से 7 लाख के आसपास है, और एक यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है बिकॉज यहाँ पर ब्रांचेस CS IT EC एंड बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जो मेन ब्रांचेज हैं हमारे CS IT EC, इस पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर यहाँ की मुझे सिर्फ अगर IT भी मिल गई तब भी मेरा काम हो जाएगा, या EC मिल गई तब भी हमारा यहाँ पर अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, यहाँ पर BTech है, और यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड BTech कोर्स भी कराते हैं BTech प्लस MTech का, और ये MBA भी कराते हैं, और यहाँ पर PhD भी अवेलेबल है। तो फिलहाल पर्टिकुलर आज हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले हैं BTech के बारे में कि यहाँ पर BTech के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो JP नोएडा हमारा सेक्टर 62 और सेक्टर 128 है, तो इसमें सीट मैट्रिक्स है वो किस हिसाब से है, कि CS IT EC या बायोटेक्नोलॉजी की कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, या इन जनरल सर यहाँ पर रैंक कितनी आएगी तो मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल सकती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर इन जनरल बात की जाए कि यहाँ पर कितनी सीट्स ब्रांच वाइज अवेलेबल है, तो अभी मैं सिर्फ JP नोएडा को डिस्कस करूँगा। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर टोटल 1320 सीटें हैं, और CS की 540 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड IT की 60 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड EC की 480 सीट्स अवेलेबल हैं, और बायोटेक्नोलॉजी की आपकी 60 सीट्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ की इंटीग्रेटेड MTech की, यहाँ पर भी CS की 30 सीट्स हैं, EC की भी 30 सीट्स हैं, मतलब इंटीग्रेटेड MTech का मतलब है BTech प्लस MTech उन्होंने CS और EC के साथ में दे रखा है, और 30 सीट्स आपकी बायोटेक्नोलॉजी की भी हैं। तो इस तरीके से अगर आप बात करोगे, बिकॉज ये एक ओवरऑल आपका हो गया जिसमें कि आपकी 1320 सीट्स अवेलेबल हैं इस कैंपसेस में, कि मतलब कि आप यहाँ पर CS IT EC या ये ब्रांचेस ले सकते हैं, और इस ब्रांच के थ्रू आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। और अगर आप इन जनरल अगर आप बात की जाए, यहाँ पर 60-70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट 12 से 15 लाख के आसपास हो जाती है। मैं 60% बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज अच्छे खासे होते हैं, उनकी 12 से 15 लाख के बीच में प्लेसमेंट हो जाती है, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं और उनकी कभी बैक वगैरह नहीं आई हुई होती है। तो ये हो गई इनकी प्लेसमेंट की बात। अगर बात की जाए सर कि मेन कैंपस में यहाँ पर सर एडमिशन किस बिहाफ पर होता है,
मेन कैंपस में सेक्टर 62 और सेक्टर 128 में यहाँ पर एडमिशन जेई मेंस की रैंकिंग के बिहाफ पर होता है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, फिलहाल उस पर हम एक सेपरेटली उनकी काउंसलिंग पर एक वीडियो बनाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए अभी एक इसमें और एक खास बात है जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसकी ब्रांडिंग को लेके बात की जाए बच्चा, तो ये कॉलेज पिछले 3-4 सालों से एनएरअप रैंकिंग पे आ रहा है। तो अभी हम इसकी एनएरअप रैंकिंग आपको बताने वाले हैं कि इसकी एनएरअप रैंकिंग पिछले 3-4 सालों से कितनी रही है। कि 2016 में 60 एनएरअप रैंक थी, और 2017 में 54 रह चुकी है, और 2018 में 70th रह चुकी है, और 2019 में इसकी 80 एनएरअप रैंकिंग है। और अभी अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए, ये UGC अप्रूव्ड है और AICTE से इसका हर एक कोर्स जो अप्रूव्ड होता है इंस्टीट्यूट का वो है। रेस्ट ऑफ देम इनके पास NAC एक्रेडिटेशन भी है, और ये NVA एक्रेडिटेड भी है कॉलेज। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस कॉलेज को लेके, फिलहाल इस कॉलेज में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मतलब कि इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर आपको प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा, और ब्रांच वाइज कट ऑफ्स बताई जाएंगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली एवरेज प्लेसमेंट, मीडियम प्लेसमेंट और हाइस्ट प्लेसमेंट भी मिल जाएंगी। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, और हमारा एक जो लास्ट वीडियो होगा इससे रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है, या इसका काउंसलिंग फॉर्म आया है कि नहीं आया है। फिलहाल आ गया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उसको कैसे अप्लाई करेंगे उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो बच्चा लोग जिनका भी JEE का रैंक मेरे अकॉर्डिंग अगर 1 लाख के अंदर है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज आपको ये इंस्टीट्यूट काफ़ी मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, बिकॉज इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी खासी है। और इन जनरल अगर फीस की बात की जाए, तो जब आपका 18 से 20 लाख की बजट हो आपका, तभी आप इस इंस्टीट्यूट के अप्लाई करिएगा, बिकॉज ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी तरीके से अगर आपको JEE के रिगार्डिंग और भी जो दो कैंपसेस हैं और उनको सेपरेटली वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।